हेलो फ्रेंड्स, और ये हमारा क्लास 5 है। इस क्लास में हम जैसे देखेंगे कि जैसे रजिस्टेंस के रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो रजिस्टेंस का ही हमारा ये चैप्टर क्लास 5 है, और इसमें हम देखेंगे कि इस तरह का सर्किट किस तरह से सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे पैरेलल में 3 रजिस्टेंस लगे हुए है, एक 4 ओम का रजिस्टेंस, 5 ओम का रजिस्टेंस और 20 ओम का रजिस्टेंस, ये तीनों पैरेलल में लगे हुए है, और ए और बी के बीच में हमें रजिस्टेंस निकालना है। तो इस तरह से हम लिखते हैं, फाइंड रजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। मतलब ए और बी से अगर हम मेज़र करें तो ये तीनों रजिस्टर का आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, वही हमें निकालना है। जैसे पिछले क्लास में हमने इस टाइप के प्रॉब्लम को 3 मेथड से सॉल्व किया था, एक आर इक्विवेलेंट मेथड से, दूसरा एलसीएम मेथड से और तीसरा परसेंटेज मेथड से। तो यहाँ पे भी हम इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखते हैं। जैसे कि मेथड 1 आर इक्विवेलेंट से अगर हम सॉल्व करें तो आर इक्विवेलेंट का फार्मूला हमें पता है कि R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, इस टाइप का फार्मूला था। अब इसी फार्मूले का यूज़ करके हमें सॉल्व करना है ये प्रॉब्लम। अब R1 है तो हम इसे R1 कंसिडर करेंगे, इसे R2 कंसिडर करेंगे। तो इन दोनों के बीच में सबसे पहले हम R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो R1 की वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस R2 की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी इनटू करना है यहाँ पे, इनटू R2 की वैल्यू है 5, तो 4 × 5 हो गया। अब 4 + 5 क्योंकि R1 + R2। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो यह आ जाएगा 20 / 9 इस तरह से। तो ये तो वैल्यू इन दोनों के रेजिस्टेंस के बीच की होगी। तो हमारे पास एक डायग्राम बन जाती है अभी इन दोनों रेजिस्टेंस को एक करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई 20 / 9। अब एक बचा हमारे पास 20 ओम का रेजिस्टेंस, एक बचा 20 ओम का रेजिस्टेंस, ये बी पॉइंट हो गया और ये ए पॉइंट हो गया। अब इन दोनों का और आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। अब हम इसको R1 कंसिडर करेंगे और इसको R2 कंसिडर करेंगे, और R1 इंटू आर इक्विवेलेंट का फार्मूला यहाँ पे लगा लेंगे, R1 इंटू R2 R1 प्लस R2, ये फार्मूला हो गया। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, 29 × 20 क्यों, क्योंकि 29/9 R1 की वैल्यू और R2 की वैल्यू है 20, डिवाइडेड बाय 20/9 + 20, इस तरह से हो गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 400/9 और डिवाइड में 29 + 20 करना है। तो अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, 29 + 20, तो इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। अब दोनों बेस को हमें सेम करना है, तो इसके लिए हम यहाँ से 1 को 9 से इंटू करेंगे तो ये दोनों सेम हो जाएगा। अब नीचे 9 से इंटू किए 9 से, तो ऊपर भी 9 से इंटू करना पड़ेगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 400/9 और ये हो जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करें तो 20/9 + 180/9। अब इसको और हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 400/9। हम स्टेप टू स्टेप लेके चल रहे ताकि समझने में आसानी हो जाए। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 200/9। यहाँ तक हमारी वैल्यू आ गई। अब इसको सॉल्व करना है। अब ये 400/9 है तो इसको हम इनटू में लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 ऊपर चला जाएगा ये और नीचे 200, इस तरह से हो जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा। अब बचे हमारे पास 400/200 और इसको हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 2। तो इस सर्किट का हमारा जो R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आंसर हमारा 2 ओहम, ये हो जाएगा 2 ओहम,
ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस, और ये इस सर्किट का आंसर। अब तो ये जो सर्किट हो गया, हम मेथड वन जैसे आर इक्विवेलेंट से सॉल्व किए तो हमारा आंसर टू आ गया। जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसी सर्किट को पूरा डिटेल में हमने यहाँ पे सॉल्व किया, इसको हम यहीं पे सॉल्व कर लेते कैल्सियम वगैरह ला के, तो ये डायरेक्टली हमें आंसर यहाँ पे 2 ओम मिल जाता, ये आंसर। अब इसी प्रॉब्लम को हम मेथड 2 से सॉल्व करके देखेंगे, जो कि मेथड 2 है हमारी एलसीएम मेथड। अब हम एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले ये जो 4, 5 और 20 ओम के रेजिस्टेंस है, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे इन टर्म को, तो ये आ जाएगा 2, 5 से नहीं होगा, ये आ जाएगा 10। उसके बाद में और 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 5, 5। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1, 1। अब एलसीएम हमें निकालना है, तो यहाँ पे जो भी टर्म है उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 2 × 5। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो एलसीएम हमारा आ जाता है 20 ओम। हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करने के बाद हमें डायरेक्टली एलसीएम यही से पता चल जाता है कि इस टर्म का जो एलसीएम आ जाएगा वो 20 आ जाएगा। मतलब 20 को इन सभी वैल्यू से डिवाइड कर सकते हैं। तो अब हमें 1/R इक्विवेलेंट लिख लेंगे, उसी के साथ साथ 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब इसको 1/R1 की वैल्यू है 4, तो 4 यहाँ पे लिख लेंगे। 1/R2 की वैल्यू है 5, तो 5 यहाँ पे लिख लेंगे। 1/R3 की वैल्यू है 20, तो 20 यहाँ पे लिख लेंगे। अब इन तीनों की एडिशन करना है, लेकिन बेस सेम नहीं है, हमें बेस सेम करना है, तो हम 20 इसका बेस सेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें 4 को 20 करना है, एलसीएम हमारा 20 है, तो हम इससे 5 से इंटू करेंगे, तो नीचे 5 से इंटू करेंगे तो ऊपर भी 5 से इंटू करना है। उसी तरह से नीचे 5 है, यहाँ पे हमें 20 करना है, तो 4 से अगर गुना करें तो यहाँ पे 20 आ जाते हैं। नीचे 4 से गुना किए तो ऊपर भी 4 से गुना करना है। उसी की तरह से यहाँ तो 20 ऑलरेडी है, तो 1 करेंगे और ऊपर भी 1 से इंटू करेंगे। अब हम लिखेंगे कि ऊपर 5 आ गई वैल्यू, नीचे जो है यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 20 है, तो हम कॉमन लिख लेंगे। प्लस यहाँ पे 4 वैल्यू आ गई और यहाँ पे 1। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाता है 10/20। अब ये जो वैल्यू थी हमारी आर इक्विवेलेंट की थी, तो 1/R इक्विवेलेंट है, हमें R इक्विवेलेंट निकालना है, तो इसका क्रॉस गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 20 = R इक्विवेलेंट × 10। अब हमें R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालना है, तो जो 10 है वो 10 20 के डिवाइड में चला जाएगा, तो R इक्विवेलेंट = 20/10। तो यहाँ से हमारा R इक्विवेलेंट निकल जाता है 2 ओम। मतलब यहाँ पे भी इस मेथड से आंसर 2 ओम आया, और एलसीएम मेथड से सॉल्व किए तो भी हमारा आंसर 2 ओम आ जाता है। अब नेक्स्ट जो मेथड है हमारी मेथड नंबर 3, परसेंटेज मेथड। तो परसेंटेज मेथड से भी इस सर्किट को सॉल्व करके देखते हैं। तो परसेंटेज मेथड से जैसे हम सॉल्व करेंगे, तो जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है 4 ओम, 5 ओम, 20 ओम, तो 100 को हर रेजिस्टेंस से डिवाइड करते हुए चलना है। जैसे 4 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद में 5 से डिवाइड करेंगे 100 को, उसके बाद में 20 से डिवाइड करेंगे 100 को, और लास्ट में जो 100 है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा, इन सभी आंसर के हम एडिशन करेंगे, और जो एडिशन यहाँ पे आई उसको हम लास्ट में एक बार 100 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर हमें मिल जाता है। तो हम देखते हैं, अभी अगर 100 को 4 से डिवाइड करें तो यह आ जाता है 25, 5 से डिवाइड करें 100 को तो यह आ जाता है 20, और 20 से डिवाइड करें तो यह आ जाता है 5। अब इनके एडिशन कर दे तो ये आ जाता है 50। अब ये 50 है तो 50 हम यहाँ पे रख देंगे, तो इसको अगर सॉल्व करें तो यह आ जाता है 2 ओम।
तो ये भी हमारा आंसर सेम आ गया। मतलब आर इक्विवेलेंट एलसीएम मेथड और परसेंटेज मेथड, जिस तरीके से भी हम इस सर्किट को सॉल्व करें तो हमारा फाइनल आंसर जो है वो सेम रहता है। तो जो एग्ज़ाम में हम सॉल्व करते हैं, तो अगर हमें स्टेप वाइज लिखना है तो हम ये दो मेथड लिख सकते हैं, अगर हमें फास्टली आंसर कैलकुलेट करना है तो हम परसेंटेज मेथड का इस्तेमाल करके इजीली इस सर्किट का आंसर निकाल सकते हैं। तो इस तरह के और भी सर्किट हम अगले क्लास में देखेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। सी यू नेक्स्ट टाइम।